नमस्कार दोस्तों, आप भी अपने चार्जर से परेशान हैं तो इस तरीके से गंदे चार्जर से परेशान हैं तो आप भी इसको साफ़ करके नया जैसे बना सकते हैं। कोलगेट और पानी की मदद से इसको इस तरीके से और इस तरीके से साफ कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो में बने रहिएगा। अब देखिए इसको साफ़ करने के लिए क्या करें। एक कपड़ा ले लें, कपड़े में कोलगेट इस प्रकार से ले लें। आपको दिखाना है, यहाँ पर देख सकते हैं कोलगेट इस प्रकार से ले लें और यहाँ पर पानी हल्का सा स्प्रे कर दें। स्प्रे रहना चाहिए तो काम आपका आसान हो जाएगा। तो चार्जर का केबल लें और इसमें दबाकर आगे पीछे कैसे करते रहें जब तक ये क्लीन ना हो जाए। और हाँ, बीच में पानी का स्प्रे भी करते रहें, इस तरीके से बीच में पानी करते रहें स्प्रे और आगे पीछे इस तरीके से घुमाते जाएँ पूरे केबल को। इस तरीके से केबल को घुमा लें, छोड़ दें फिर। और ये अगला जो हमारे एडाप्टर का केबल है उसको भी इस तरीके से घुमा दें और पानी बीच में डालते रहें। जो पानी है बीच में लगता रहेगा और सबको इस तरीके से घुमा लेंगे। यहाँ पर एडाप्टर पर भी लगा लेंगे और लगाने के बाद कुछ समय के लिए वो छोड़ेंगे। तो कुछ समय के बाद इसको साफ फिर से करेंगे। तो यहाँ पर चार्जर सूख गया है जो एडाप्टर है, तो इसको धीरे धीरे हम क्लीन करेंगे उसी पर और धीरे धीरे हम पानी स्प्रे करेंगे। तो ध्यान दें, पानी स्प्रे करते वक्त जो इसके एडाप्टर हैं यहाँ पर कनेक्शन है, यूएसबी हो या टाइप सी, ये टाइप टू टाइप सी है, इसके अंदर पानी इस तरीके से नहीं जाने चाहिए। तो इसको इस तरीके से साफ़ कर लें और पहले अब में अंतर देखेंगे, बहुत ज़्यादा अंतर है देख सकते हैं। अब इसको हम एक बार साफ़ कर लेते हैं इसी कपड़े से। केबल को आप धुल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, केबल को एकदम आप धुल के भी साफ कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एडाप्टर क्लीन हो गया है, पहले से देख सकते हैं प्योर वाइट हो गया है। एबीएस ये प्लास्टिक होता है, एबीएस के लिए कोलगेट बहुत ही हमारा अच्छा मटेरियल होता है। तो देख सकते हैं प्योर वाइट, आपको ब्राइटनेस की देख रहे हैं, बहुत तगड़ा चमक रहा है। तो इसी तरीके से हम सारे केबलों को भी साफ़ कर दें। इसको आप धुल सकते हैं केबल को, और धुलने के बाद यहाँ से फूक मार के इसमें से पानी निकाल लीजिएगा क्योंकि आपके मोबाइल फ़ोन में जा सकता है। तो उसको भी इस तरीके से साफ़ कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं धुलने के बाद केबल एकदम प्योर हो गया जैसे पहले जैसा था। और ध्यान देने की बात यह है, जितना पुराना केबल होगा तो वो येलोइश हो जाएगा, थोड़ा सा वार्म येलो हो जाते हैं, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप थोड़ा सा धुलने के बाद हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगा देंगे क्योंकि इसकी केबल ड्राई हो जाती है, तो ये केबल की लाइफ थोड़ी सी बन जाती है। ठीक है, देख सकते हैं कोलगेट की मदद से एकदम क्लीन कर लेंगे आप कोई भी केबल एडाप्टर। ठीक है,